एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वह लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। ये सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाएगा, अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें धोखा ना दे तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। ये बात सुनकर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा भी नहीं उठा पाए? तो गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, यदि तुम इसे ध्यान से सुनोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए तो जीवन में एक नियम बना लो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं। इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखे। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दे तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए तो अगर आप वह नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से साफ साफ मना कर दे। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वह समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो कि दूसरों को खुशियां दो, पर अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियां देनी ही है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।
जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है, और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आंके। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे, इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए अपनी कमियों के बारे में जानने का, वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, और इस दुनिया को वो करके दिखा दीजिए। एक और सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता, वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है, और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है, काश उस समय मैंने सोच समझ कर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी गलत नहीं होते, और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। छठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखे। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके फिर उससे सीखे। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। ये बात बहुत लोगों को वो समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दे दिए। अब इससे आपको कुछ सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है। सातवीं सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये बात 100% सही है, हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि इससे सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और आप उस काम में बिल्कुल नए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता, वह आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी, इस पर विचार किए बिना आपको आगे बढ़ना है। दुनिया चाहे आपको जितना डराकर पीछा करना चाहे, लेकिन इस डर को नज़रअंदाज करके आपको आगे बढ़ना है। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाएं और कोई आकर आपसे ये कहे कि यह काम कठिन है,
तो उनको गलत साबित करने के लिए आप उस काम को आगे करके दिखाए। और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसे ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त सोच समझकर बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।